हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMkC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एक ही शेयर से रिलेटेड, जो है FMCG से रिलेटेड सेक्टर की रैंक वन कंपनी। आप सभी लोगों को पता ही चल गया होगा, मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात कर रहा हूँ। HUL से रिलेटेड आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आई है, जिससे रिलेटेड बहुत सारे रिटेल निवेशक पैनिक होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो वो न्यूज़ क्या है, उसी से प्रति हम लोग बात भी करेंगे और उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा फ्यूचर में, उससे रिलेटेड भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। एंड ये भी बताएंगे कि आप लोगों को ये शेयर से एग्जिट अभी होना जाना चाहिए या फिर इसको होल्ड ही रखना चाहिए या फिर एंट्री करना चाहिए या नहीं। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले HUL के शेयर से पे जाने से पहले मैं आप लोगों को निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। आप देख सकते हो आज भी निफ्टी ने बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला, रैली देखने को मिली हम लोगों को। 11,100 के ऊपर की क्लोजिंग है, जो कि बहुत ही अच्छा है। करीब करीब 47 पॉइंट से भी ज़्यादा हम लोगों को ये जंप देखने को मिली है। सो इतना अच्छा माहौल होने के बावजूद HUL में हम लोगों को थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला, करीब करीब 11 पॉइंट्स की। तो चलिए HUL का चार्ट पैटर्न ओपन कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हो HUL का चार्ट पैटर्न आपके सामने आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 12 पॉइंट्स की गिरावट है, एंड वो गिरावट आप देख सकते हो ऊपरी से स्तराव से नीचे ये गिरावट हो चुकी है। सो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज 27 अगस्त है। आप यहाँ पे डेट देख सकते हो, टाइम भी देख सकते हो, मार्केट क्लोज हो चुका है। सो 27 अगस्त को HUL ने और एक नया हाई बना लिया, अपना 52-week हाई के साथ साथ और एक नया हाई बना दिया था जब मार्केट नॉर्मल चल रहा था। बट बाद में एक न्यूज़ सामने आ गई थी, जिससे रिलेटेड बहुत सारे रिटेल निवेशक पैनिक होना शुरू हो चुके थे, एंड उसी के वजह से कुछ ना कुछ निवेशकों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की, एंड उसके बाद HUL का शेयर ये 12 पॉइंट नीचे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सो वो न्यूज़ ऐसी है कि HUL के कुछ प्रोडक्ट्स है, आप सभी लोगों को पता है HUL के प्रोडक्ट तो इतने ज़्यादा है, पूरा डाइवर्सिफाइड वाला बिजनेस है हर एक सेक्टर में। मतलब मैं बोलता हूँ ना, नहाना खाना पीना धोना सब, हर एक इसमें इन लोगों के प्रोडक्ट आप लोगों को मिल जाएंगे। सो उन्होंने क्या किया, HUL ने कुछ अपने प्रोडक्ट है वहाँ पे उन्होंने प्राइस की कटौती की है, उन्होंने खुद ही की है, उनके मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, रिन, आप सभी लोगों को पता है रिन डिटर्जेंट, रिन का साबुन भी आता है, तो उसके प्राइस में उन लोगों ने कटौती की है। कटौती अप्रॉक्सीमेटली 20-25% में है। सो डेफिनेटली उन्होंने क्या किया, ये प्राइस में कटौती की है फर्स्ट। उसके बाद आप सभी लोगों को पता है लक्स साबुन, सो लक्स साबुन के प्राइस में भी हम लोगों को कटौती देखने को मिली है। उसके बाद डव साबुन, उसके इसमें भी हम लोगों को कटौती देखने को मिली है। सो ये न्यूज़ सामने आ जाने के बाद बहुत सारे जो रिटेल निवेशक थे वो पैनिक होना शुरू हो गए, एंड उन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना स्टार्ट किया, सर हम लोग ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठे हुए, क्या एग्जिट कर ले। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये कोई इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है। मतलब देखो, आपको चाहे तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बट ये रीज़न नहीं हो जाना चाहिए कि ये इस न्यूज़ की वजह से आप लोगों ने एग्जिट किया, ये तो हंसने वाली बात हो गई। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये सिर्फ प्राइस में कटौती की है उनके मैनेजमेंट ने अपने स्ट्रैटेजी के फॉर्म में। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी आप बिजनेस करते हो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ती है। उन्होंने प्राइस कम क्यों की है, डेफिनेटली वो लोग कुछ ना कुछ जियोग्राफिकल एरिया बिजनेस करते हैं, मतलब डेफिनेटली उन लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे एरियाज कैप्चर करने हैं, कुछ ना कुछ कस्टमर्स ऐसे कैप्चर करने, इसलिए उन्होंने ये प्राइस कम की है। जो ऑलरेडी इन लोगों के प्रोडक्ट खरीदते हैं वो तो खरीदेंगी, अभी प्राइस कम हो जाने के बाद डेफिनेटली और कुछ ना कुछ जो नए कस्टमर इन लोगों से जुड़ जाएंगे। सो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म वाला प्लान होता है, जो शॉर्ट टर्म में आप लोगों को नहीं समझेगा, बट अगर आप बिजनेसमैन को पूछेंगे तो आप लोगों को ये बता देगा। सो आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ, आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, मैं आप लोगों को रोकूंगा नहीं, बट ये रीज़न के चलते अगर आप इसमें से एग्जिट होना चाहता हो तो मैं आप लोगों को अलाउ नहीं करूँगा, क्योंकि ये बेवकूफ़ वाला रीज़न है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तो और मैं आप लोगों को और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये तो सिर्फ आधी न्यूज़ हुई थी जो कि न्यूज़ चैनल पे चली थी, इन लोगों ने नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए। नए प्रोडक्ट्स मतलब इन लोगों का क्लोजअप, आप सभी लोगों को पता है टूथपेस्ट आता है, तो इन्होंने और एक नई पेस्ट मार्केट में लॉन्च की है जो कि ये करने जा रहे हैं, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हो। इनके वैसलिन के और नए 5 ब्रांड्स आने वाले हैं। सो आप देख सकते हैं बहुत ही एक ऐसी ये पॉजिटिव न्यूज़ भी है। सो डेफिनेटली आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये ऐसे चेंजेस होते रहते हैं और कंपनी ने खुद किया है, सो डेफिनेटली ये इसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। सो अगर आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले तो आप लोगों को पैनिक नहीं होना है कि ऐसा क्या हो गया। सो डेफिनेटली इस न्यूज़ के वजह से कोई इतना बड़ा इफेक्ट होने वाला नहीं HUL में, तो आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप इस शेयर को ज़रूर होल्ड करना। देखिए दोस्तों, और एक अच्छा क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा गया था, सर ये इनके प्रोडक्ट के दाम अगर इसमें कटौती कर दी है, मतलब कम कर दिया इन लोगों ने, क्या इनके प्रॉफिट पे कोई अफेक्ट गिरेगा। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, ये डिपेंडेबल है,
चाहे तो टेम्पररी सोर्स के लिए गिर सकते हैं, टेम्पररी टाइम के लिए गिर सकते हैं, बट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन लोगों को इनफैक्ट प्रॉफिट भी हो सकता है। मतलब डेफिनेटली इन लोगों ने 100 का प्रोडक्ट का दाम अगर इन लोगों ने 70 में बेचना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली 30 रुपया लॉस उनको पर प्रोडक्ट होगा। बट जैसे मैंने कहा ये शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, बट अगर इन लोगों को और भी कस्टमर मिलना शुरू हो गए सो डेफिनेटली उन लोगों के कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ना शुरू हो जाएंगे एंड डेफिनेटली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनको और भी प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। FMCG की रैंक वन कंपनी, उनको पता है बिजनेस कैसे करते हैं, उनके मैनेजमेंट को पता है, उनके लॉन्ग लॉन्ग पीरियड के ऐसे मतलब मिशन एंड विजन दोनों सेट होते हैं। तो यही बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये FMCG सेक्टर का रैंक वन कंपनी का शेयर है, NSE में आने वाली टॉप 10 में एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग टॉप 5 में आने वाली कंपनी है। सो बिल्कुल आपको इसको होल्ड ही करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, 5 दिन का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, 1 महीने का चार्ट पैटर्न देख सकते हो, 1 महीने का चार्ट पैटर्न के ऊपर आप नज़र भी डाल सकते हो। जब बाजार का आप चार्ट पैटर्न देखोगे, निफ्टी का 1 महीने का चार्ट पैटर्न, तो आप लोगों को वो ऊपर से नीचे मतलब नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा था, बट वहाँ पे HUL का शेयर स्ट्रांगली खड़ा था और आप लोगों को पॉजिटिव रिटर्न दे रहा था। उसके बाद आप देख सकते हो 1 साल का चार्ट पैटर्न, 5 साल का भी चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आप इसको होल्ड करते हो तो बहुत शानदार रिटर्न ये आप लोगों को देखे चला जाता है एंड ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हो। एंड FMCG सेक्टर की रैंक वन कंपनी का फायदा भी यही होता है दोस्तों। बहुत सारे लोग ये भी पूछते थे, सर क्या मंदी आएगी? तो डेफिनेटली मंदी अगर आ भी जाती है, मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, आ भी जाती है तो लोग डेफिनेटली खाना पीना नहाना धोना तो नहीं छोड़ेंगे, तो HUL जैसे कंपनी को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि आप कुछ भी करो ये चीज़ें तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। आप ब्रश तो करोगे ही, आप खाओगे ही, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली FMCG सेक्टर ये हमेशा सेफ ही रहता है अगर आप देखोगे तो। और ऊपर से HUL जैसा शेयर अगर आपके पास रहेगा जो कि सीजनल प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, सीजनल प्रोडक्ट मतलब मैंने एग्जांपल बहुत बार दिया था, मतलब फॉर एन एग्जांपल अगर आपका छाते का बिजनेस रहेगा तो आपके लिए बिजनेस का बेस्ट टाइम कब रहेगा, जब बारिश रहेगी तभी। और इंडिया में अगर हम लोग देखते हैं मानसून का पीरियड तो ये 4 महीने के आसपास ही बारिश रहती है, तो बस ये 4 महीने में आपका बिजनेस होगा। बट HUL जैसे कंपनी को ये सीजनल प्रोडक्ट नहीं बेचता, ये सारे प्रोडक्ट बेचता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था इन लोगों के इतने प्रोडक्ट्स है, तो इन लोगों का मतलब कोई भी महीना चलता हो, कोई भी सीजन चलता हो, इन लोगों के बिक्री हमेशा होती ही रहती है। सो इसीलिए ये कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है एंड इसीलिए इन्होंने अपने FMCG सेक्टर में रैंक वन पोजीशन कायम रखी हुई है। सो बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों, फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो कभी भी इस शेयर में गिरावट हो जाती है, आपको वापस दिखाना चाहते हो 1 साल का चार्ट पैटर्न, जब भी अपना हाई अचीव कर लेती है यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे, तो आप देख सकते हो एक डीप डाउन आ जाता है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। सो वापस आप लोगों को इस लेवल से भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है क्योंकि वापस इसने एक नया अपना ऑल टाइम का हाई अचीव किया है। सो आप लोगों को पैनिक नहीं होना है ये कि ये न्यूज़ के चलते शेयर में गिरावट हो गई, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। बट यही बताना चाहता हूँ मेरे पोर्टफोलियो में ये शेयर है तो मैं तो इसको लंबी अवधि के लिए होल्ड करने वाला हूँ। तो चलिए NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ इसके डिटेल्स देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो HUL का शेयर मैंने ओपन किया है, यहाँ पे आप नाम पढ़ सकते हो हिंदुस्तान यूनिलीवर। थोड़ा सा मैं नीचे जाऊँगा तो आपको 52 वीक हाई एंड लो भी देखने को मिलेगा। 27 अगस्त आज ही के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, 52 वीक हाई को इसने टच किया था, बट बाद में जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाजार चल रहा था तभी ये न्यूज़ आई थी कि HUL ने अपने प्रोडक्ट में कटौती की है। सो डेफिनेटली थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट हो गया था, वो इतना कोई बड़ा न्यूज़ नहीं है, बट जिस तरीके से रिटेल निवेशक पैनिक हो रहे थे तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो होना चाहिए क्योंकि HUL जैसा शेयर आप लोगों ने बेचना नहीं चाहिए, ऐसा ये मेरा मानना है। सो आगे आप चाहो तो आप वो कुछ भी कर सकते हो। सो आज के दिन का हम लोग ये भी देख लेते कारोबार, तो ये देखिए 69% लोगों ने क्या किया, ये शेयर को खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रखा है, डिलीवरीज उठाई गई है। सो बहुत ही अच्छा शेयर है, आप लोगों को कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट तो बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे, ग्रोथ है क्वार्टरली रिजल्ट्स में। एंड यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि डिविडेंड भी कंसिस्टेंटली देती है, 2017 में 2 बार दिया था, 2018 में 2 बार दिया था, 2019 में ऑलरेडी 1 बार दे चुकी है एंड आने वाले अक्टूबर एंड नवंबर में हम लोगों को वापस इस कंपनी से डिविडेंड का ऐलान होते हुए नज़र आ सकता है। सो ओवरऑल बहुत ही अच्छी कंपनी है। प्रमोटर्स ने शेयर कितने गिरवी रखे वो भी एक बार चेक कर लेते तो आप यहाँ पे देख सकते, इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी फंडामेंटली तो डेफिनेटली 0% है, तो डरने की कोई बात नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है शेयर होल्डिंग पैटर्न, आप यहाँ पे देख सकते हो 67% इनके पास, 67 प्रमोटर्स के पास ये शेयर्स है। सो डेफिनेटली तो और अगर वो क्लॉज आ जाते 65:35 वाला डेफिनेटली तो ज़्यादा इन लोगों को इम्पैक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा ही अफेक्ट गिरेगा। बट ओवरऑल यही बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि कंपनी बहुत बढ़िया है,
एंड वापस रिपीट यही करना चाहता हूँ क्लोज करते वक्त कि आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बट ये न्यूज़ के बेस के चलते अगर आप उसमें से एग्जिट लेना चाहते हो तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात होगी। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना, एंड अगर इस चैनल में नए आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना और साथ ही बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी हिट कर देना, तो जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।